तो आज मैं टेस्ट कर रहा हूँ बोल्ट के न्यूली लॉन्च नेक बैंड जिसका नाम है एफ चार्ज मैक्स एंड ये लॉन्च हो रहे हैं 1099 की प्राइस पे। ये है इसका रिटेल बॉक्स, मेंशन है यहाँ पे 1 ईयर की वारंटी के साथ में आते हैं, 40 ms की लो लेटेंसी मिल जाएगी, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बोल्ट, 13 mm के यहाँ पे बूम एक्स ड्राइवर्स हैं, 100 hours का प्ले टाइम मिल जाता है, ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। बैक साइड में भी कुछ की स्पेक्स यहाँ पे मेंशन कर रखी है, जैसे कि यहाँ पे 10 मिनट्स के चार्ज पे आपको 24 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.3 के साथ में आते हैं, ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग है। यहाँ पे बॉक्स के अंदर में आपको सबसे पहले एक वारंटी कार्ड मिलेगा, रजिस्टर कर सकते हैं वारंटी, साथ में मिलती है एक यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल को हर समय अवॉइड नहीं करना चाहिए, काफी चीजें मेंशन होती हैं प्रोडक्ट की इस पे। टाइप ए टू टाइप सी वाली एक केबल मिलती है यहाँ पे इसको चार्ज करने के लिए, एंड यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ एयर टिप्स के साथ में एक ये वाली अटैचमेंट भी मिलती है, तो इनकेस अगर आपको प्रॉपर फिट नहीं मिल रही है कान में तो आप इस नेक बैंड की फिट को और सिक्योर कर सकते हैं। कुछ इस तरह से एयर टिप को आपको हटाना है एंड ये जो अटैचमेंट दे रखी है इसको आप इजिली जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, तो इसके बाद में क्या है आपको और ज्यादा सिक्योर फिट मिल जाएगी। वैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं ईयर साइज के हिसाब से ईयर टिप्स चेंज करते हैं ना, तो उसके साथ में एक ये एक्स्ट्रा अटैचमेंट मिल जाती है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ विद अटैचमेंट एंड विदाउट अटैचमेंट, कुछ इस तरह से आप इस नेक बैंड को यूज कर सकते हैं, बढ़िया सिक्योर फिट मिल जाएगी अटैचमेंट लगाने के बाद में। नेक बैंड की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी नेक बैंड की अच्छी है, नीचे बोल्ट की ब्रांडिंग है एंड ऊपर वाले जो एरिया है इसमें आपको एक थोड़ा सा टेक्सचर फिनिश भी मिलता है। मेरे पास में ये ब्लू वाला वेरिएंट है, ब्लैक वेरिएंट में भी आता है ये प्रोडक्ट एंड काफी फ्लेक्सिबल है, तो इसको इजिली जो आप यूज कर सकते हैं। देखो मैंने तोड़ मरोड़ के से देख लिया है, टूटेगा तो नहीं, मरोड़ के देख लिया है, बढ़िया है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी। एयरबड्स पे आपको जो है मैग्नेटिक बॉन्डिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, इसी के साथ में यहाँ पे इनलाइन कंट्रोल्स भी हैं, प्लस माइनस एंड मल्टीफंक्शनल बटन दे रखा है यहाँ पे, एंड चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है, 10 मिनट के चार्ज पे अप टू 24 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा एंड टोटल प्ले टाइम इसका अकॉर्डिंग टू ब्रांड 100 hours है। ओवरऑल अगर मैं नेक बैंड की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है एंड हाथ में फील भी अच्छी आती है, जल्दी से आपके नेक पे इससे कोई रैशेस नहीं आने वाले। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ में आते हैं ये नेक बैंड, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी भी आपको अच्छी मिल जाएगी, मैंने अपने फोन के साथ कनेक्ट किया है एंड ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग के साथ में आते हैं। यूजर मैनुअल पे काफी सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि आप मल्टीफंक्शनल बटन या फिर इनलाइन जो कंट्रोल बटन्स उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने इन बटन्स को टेस्ट करके देखा है, कोई लैग नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल अगर हमको ट्रैक्स को प्ले पॉज करना है, MFB बटन जो होता है उसको मैंने सिंगल प्रेस किया है तो यहाँ पर ट्रैक्स प्ले पॉज हो रहे हैं। वॉल्यूम को कम ज्यादा करना है तो प्लस माइनस के बटन यहाँ पे दे रखे हैं एंड वॉल्यूम भी यहाँ पे जो है जैसे ही मैं बटन दबा रहा हूँ वैसे ही वॉल्यूम कम या ज्यादा हो जाती है, तो कोई डिले यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है बटन्स में, ये काफी अच्छी बात लगी मुझे। इवन लॉन्ग प्रेस पे ट्रैक्स को मैंने ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट किया है तो ईजिली बटन यहाँ पे काम कर रहे हैं, ट्रैक्स को प्रीवियस भी मैंने यहाँ पे करके देखा है तो बटन कंट्रोल जो है यहाँ पे अच्छा खासा आपको मिलेगा। बाकी ये सेंटर में जो MFB बटन दे रखा है इसको 3 times प्रेस करके वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, 4 times प्रेस करके गेमिंग मोड पे जा सकते हैं। मैंने इसको पहन के देखा है, लॉन्ग आवर्स यूज करके देखा है, नेक पे किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट मुझे यहाँ पे फील नहीं हुआ एंड इवन यहाँ पे मैग्नेटिक बॉन्डिंग दे रखी है तो जब आपके बड्स यूज में नहीं है तो ये मैग्नेटिक बॉन्डिंग भी सही रहती है, बड्स इधर उधर लहराते नहीं है गले पे, आपस में जो है इस मैग्नेटिक बॉन्डिंग की वजह से कनेक्टेड रहते हैं आपस में। अब इसके अलावा यहाँ पे फिट की बात करूँ तो फिट मुझे इसकी अच्छी लगी, सिक्योर लगी, बाकी मैंने आपको बताया था एयर टिप्स आप चेंज कर सकते हैं एंड एक अटैचमेंट भी आपको बॉक्स के अंदर साथ में ही देखने को मिल रही है। 13 mm के यहाँ पे ड्राइवर्स दे रखे हैं, मैंने इस पे कुछ गाने सुने हैं, बेस में आपको जो है थंप मिलता है तो बेस अच्छा खासा फील होता है एंड ये बड्स ना मुझे थोड़े से ज़्यादा लाउड लगे, तो आप कम वॉल्यूम पे भी जो है बढ़िया म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं, बट ये डेफिनेटली काफ़ी लाउड हैं, ट्रेबल्स अच्छे हैं, वोकल्स भी समझ में आते हैं, बैलेंस्ड ऑडियो मिलता है इस पे। ENC है इसमें, जेन मोड है बोल्ट का, तो कॉलिंग के लिए भी अच्छे हैं, कॉल क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको 50 ms की लो लेटेंसी मिलती है, तो मैंने थोड़ी सी इस पे गेमिंग करी है, नोटिसेबल लैग इसमें नहीं मिला है एंड बेस्ट थिंग ये है कि ड्यूअल कनेक्टिविटी के साथ में आता है तो किसी भी 2 devices के साथ में आप जो है इसको कनेक्ट करके रख सकते हैं। और ये नेक बैंड जो है आपका IPX5 वाटर रेजिस्टेंट के साथ में आता है तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अब मैंने बोल्ट के और भी प्रोडक्ट्स को जो है रिव्यू किया हुआ है, खास करके ये जो एयरफोन्स होते हैं या फिर नेक बैंड, इसके अंदर में ना आपको मिलता है बूम एक्स टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से जो है इस वाले नेक बैंड के अंदर तो 13 mm के ड्राइवर्स दे रखे हैं। अब ये जो बूम एक्स टेक्नोलॉजी है यहाँ पे आपको बेस अच्छा खासा फील प्रोवाइड करा देती है, अच्छा बैटरी बैकअप होने के साथ में आपको यहाँ पे जो है टाइप सी की फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है, तो इंस्टेंट अगर आप सिर्फ 10 मिनट चार्ज करते हैं तो 24 आवर्स तक का आपको जो है प्ले टाइम इस पर मिल जाएगा। कॉल्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छे नेकबैंड है। अगर मैं इसको ओवरऑल रेटिंग देने की बात करूँ तो मैं इसको 4.5 out of 5 की रेटिंग दूंगा। प्रोडक्ट बढ़िया है, प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया परफॉर्म भी कर रहा है। लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट जरूर करना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ और गैजेट्स के साथ।